हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और हमारे साथ आज हैं ऋषभ। इनका आईआईटी खड़गपुर में सिलेक्शन हुआ है पीएचडी प्रोग्राम में। ये मैथमेटिक्स से हैं और ये पिछले साल आई थिंक अगस्त या सितंबर में ज्वाइन किए थे रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम, और इनका गेट भी निकला था और अभी ये पीएचडी में इनका सिलेक्शन हुआ है, जो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत मेहनत किया है इनका। सबसे बड़ा जो दिक्कत होता था, ये जो लोकेशंस हैं आसाम में, वहाँ पे इंटरनेट या इनके आसपास एरिया में ये सारा बहुत ही एक बिग डील था। तो इसके लिए इन्होंने कैसे इस चीज़ को मेहनत किया और किस टाइप से इन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ओके, तो पहले चलिए ऋषभ, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका भी सिलेक्शन हुआ है और ये बहुत ही खुशी की थैंक यू बात सर। है। और मुझे पता है कि आप कितना स्ट्रगल से जूझे हैं ये सारी चीज़ों में, तो पहले अपने बारे में बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए और फिर स्टडी से कैसे क्या था ये बताइए। हाँ सर, मेरा नाम ऋषभ चौधरी है। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, मतलब गुवाहाटी। मेरा जो सिटी है वो गुवाहाटी है, और गुवाहाटी। मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर से ही किया है, अच्छा, और जो मास्टर्स किया है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। कब का आपका मास्टर तो था, कब आपने मास्टर कंप्लीट किया हाँ था? सर, हाँ सर, मेरा मास्टर्स 2019 में कंप्लीट हुआ था। वाह, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, व्यूअर्स को मैं बता दूं, दैट मीन्स कभी कुछ गैप हो जाए किसी कारणवश से तो ये मैटर नहीं करता, लुक एट हिम। ओके, प्लीज कंटिन्यू ऋषभ। हाँ सर, जब मैंने पहली बार जब नोबल फोरम ज्वाइन किया था तो आपने देखा ही था, मतलब इंटरनेट की बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो मेरे आपने साइड मुझे से बोला कि था आपके कि साइड से? हाँ, नहीं नहीं सर, आप मेरे साइड से बहुत दिक्कतें थी, आपके अच्छा, साइड से तो ओके था सर। तो हाँ, आपने मुझे बोला था आप आसपास देख लीजिए कहीं पे कनेक्शन अच्छा है, तो मैंने देखा आसपास। तो आसपास जो मेरे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर में एक हाईवे आता है, तो हाईवे के पास मतलब कुछ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, तो वहां पे कनेक्शन अच्छा तो आता था, लेकिन वहां पे खड़े होना, बट रुकना, कहाँ पे रुकूं, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था। तो कभी कभार मैं दुकान के नीचे बैठ जाया करता था, तो कभी कभार मैं टी स्टॉल्स के जो सीट्स होते हैं बस स्टैंड के सामने, वहां पे बैठ जाया करता था। तो इस तरह से फिर वहां पे प्रॉब्लम होनी शुरू शुरू हुआ, तो फिर मैंने एक जगह चूज किया जिसको कहते हैं वशिष्ठा मंदिर कहते हैं। ऑलमोस्ट अच्छा, मेरे घर से 2.5 किलोमीटर दूर है, तो आने जाने में 5 किलोमीटर लग जाता था। तो वहां पे मतलब ऑलमोस्ट जंगल टाइप एरिया है, और इसे बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस भी है, मतलब आसाम में वशिष्ठ मंदिर कहते हैं। तो मैं वहां पे कभी कभार मंदिर में जाकर भी पढ़ता था। तो शायद आपको याद होगा, आप क्लास करते समय पूछते थे कि मंदिर की घंटी सुनाई दे रही है तो कहाँ से, तो एक्चुअली वो मैं था सर। तो वहां पे पब्लिक प्लेस में बैठने की बहुत जगह होती थी वशिष्ठ मंदिर में, तो वहां पे मैं बैठ के क्लास बहुत समय तक करता था। तो इस तरह से मतलब वहां जाने की दिक्कतें भी होती थी, बिकॉज क्लास दोपहर को होता था, तो उस समय बस फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है उस रूट में, तो कभी कभार मैं चल के ही जाया करता था। तो वो धूप में चल करके जाना, फिर क्लास को टाइम में पकड़ना, दैट वाज अ चैलेंज। बट आफ्टर दैट जब क्लास शुरू होता था तो एक अलग सैटिस्फेक्शन होती थी कि, और एट द एंद ऑफ द डे मतलब एक कुछ नया सीख के जाता था, तो वही सैटिस्फेक्शन। इवन मेहनत बहुत होता था लेकिन बहुत सैटिस्फेक्शन होता था। लेकिन इसका बाद भी जर्नी है सर कि ऐसा बहुत दिन तक चला, ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक चला। उसके बाद एक दिन मेरी मौसी आई मेरे घर में, तो उन्होंने मुझे देखा कि ये लड़का तो बहुत बाहर जाकर के इतना मेहनत से काम कर रहा है, तो उन्होंने मेरे मम्मी को बोला आप उसको मेरे घर में भेज दीजिए। तो मैंने भी सोचा ठीक है, उन्होंने बोला है तो जाएंगे, लेकिन मैंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। तो उसी समय आपने एक क्लास शुरू किया था रात को सर, आपको याद होगा। तो हाँ, तो मुझे फाइनली वहां पे जाना ही पड़ा। साढ़े आठ और बजे 8:30 बजे रात या 9 बजे ऐसा हाँ ही कुछ था। हाँ सर, 9 बजे क्लास था, 9 बजे तो था। फाइनली मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था कि बाहर जाके किसी के घर में क्लास करना। तो मैंने कोशिश की सर, मैंने पहला दिन मैंने गया उनके घर, तो अच्छा लगा। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 to 3 months मैंने उनके घर से ही पढ़ाई की, अरे उन्होंने बहुत ही वाह, केयर किया मेरा।
तो उन्होंने मतलब मेरे मेहनत देख के उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला तुम यही पढ़ो। उनकी जो हस्बैंड है वो अभी दुनिया में नहीं है, तो उनका जो एक रूम था वो एक खाली खाली था, तो उन्होंने बोला कि तुम वहां पे बैठ करके पढ़ाई करो। तो ऑलमोस्ट मैं उनके घर में ही रह जाया करता था, ऑलमोस्ट 3 महीने तक, 3 महीने तक मैं घर में बहुत कम बार आया जाया करता था, उनके घर में ही रह गया। फिर तो फिर फाइनली एक दिन जब लॉकडाउन फिर घोषित कर दिया गया, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ से फिर आना जाना। तो मेरे आस पास में एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने एक नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ था। तो जनरली यहाँ पे मतलब कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन आना नहीं चाहता, मेरा एरिया थोड़ा सा इंटीरियर में है। तो उसके घर में मैंने कुछ दिन क्लास किया, तो उसको पूछा तुमने कहाँ से ये मतलब कनेक्शन लगवाया, तो उसने मुझे कुछ डिटेल्स दी। तो मैंने भी फिर फाइनली वो चीज मैंने अपने घर में लगवाया। तो अभी जो क्लासेस चल रही थी, तो बहुत कुछ ऑलमोस्ट 1 महीने से बहुत कंफर्टेबली कर पा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फाइनली ये जो जर्नी थी, जो स्ट्रगल से शुरू हुई थी, इनफैक्ट ये जो आपने सर, मैं कहूंगा बस आपके वजह से मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत परवेसिव हो गया। अब मतलब मेरे लिए प्लेस इंडिपेंडेंट हो गया, चाहे भीड़ में हो, चाहे नदी के सामने हो, चाहे जंगल में हो, चाहे किसी बिजी ट्रैफिक में हो, ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंसेस मैंने कर लिए। तो ये जो एक्सपीरियंस था सर, बस आपके वजह से, आपने हिम्मत दी थी कि ये करो, इसलिए हो पाया, नहीं तो सर मैं कभी भी हिम्मत नहीं करता खुद से। अरे नहीं, वैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा इसलिए सोचते हैं कि आप खुद एक मेहनती इंसान हैं और आप खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये आपका मेहनत था, मेरा तो डायरेक्शन था जो हम कर रहे थे। हम सबको पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे लोगों का एक्सक्यूज रहता है सर उतना दूर क्यों जाएं, धूप है, बारिश है, पानी है, बट आपको इससे फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी आप बताते भी कि सर जहाँ चाय वाले के पास मैं खड़ा रहता हूँ, वो लोग कभी बातचीत भी करते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ सर, बहुत हाँ बार आपसे बिल्कुल बातचीत हुआ था, मैंने आपको डांटा भी था, मतलब क्या, मतलब थोड़ा हो ही जाता है मेरे साइड से, लेकिन बुरा भी लगता था मुझे कि मैं आपके लिए उस लेवल तक का कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप आसाम में थे, हम दिल्ली में थे। बट इतना भरोसा था कि अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मन में था मेरा कि जो बच्चा इस टाइप का मेहनत किया है लाइफ में, वो अच्छा जगह पहुंचा है, ये गारंटी था। तो मुझे ये तो पता था कि ऊपर वाला आपको बहुत हेल्प कर रहा है, वो बहुत हेल्प कर रहा है, वो खड़ा होकर आपको मदद कर रहा है, 10 तरीके का रास्ता दिखा रहा है कि देखो अच्छा यहाँ नहीं है तो यहाँ जाओ, मंदिर जाओ, जंगल जाओ, और कभी आपको भगवान के रूप में मौसी को भेज दिया, दोस्त मिल गया, तो एक सब कनेक्टिविटी है, कहा जाता है ना कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वो धीरे 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 हाँ सर, धीरे हाँ बिल्कुल कनेक्ट होते गया। तो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा इसमें रोल आपका है, आपके मौसी जी का है, जिन्होंने आपको 3 महीना रखा, पढ़ाई के लिए जगह दी, स्पेस दिए। इस कोरोना काल में बहुत लोगों ने अपने लोगों तक को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो आपके तो खैर ये अगर दोस्तों ने सपोर्ट किया इस पढ़ाई को कोरोना काल में, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को हाँ कभी सर, भूलना नहीं चाहिए, और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जो इस जर्नी में आपके साथ है। वो सबका मिश्रण है आपका ये सिलेक्शन। आपका गेट में भी बहुत अच्छा रैंक बिल्कुल था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विथ योर रैंक। मुझे ठीक है, यहाँ के बच्चों ने सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक सब लाया, लेकिन आपका जो रैंक था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आप जिस सिचुएशन से बढ़ के गए थे, वो हमने एक जब गेट का रिजल्ट आया था हमने मेंशन भी किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना आप डिफिकल्टी सिचुएशन से गए हो। मतलब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, मतलब जब जान रहे कि सिचुएशन इतना ऑनलाइन हो चुका है, लगभग हाँ बच्चों सर, के साथ जो गाँव में रहते हैं उनका ऑनलाइन का सिस्टम इतना खराब है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस संबंध में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, थोड़ा हम लोग को भी जिम्मेदारी है, लेकिन इस संबंध में थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चों का एडुकेशन ना रुके, क्योंकि तो अब जो आने वाला सिचुएशंस है कुछ ऐसा ही होने वाला है। बट एनीवे मैं बोल नहीं सकता, तो इसलिए मेरा क्रेडिट इसमें कुछ भी नहीं है, सब आपका मेहनत है, आपने बहुत मेहनत किया है, उसी का सक्सेस है, और आगे भी आप ऐसा मेहनत कीजिएगा, मुझे एकदम उम्मीद है। अब थोड़ा सा बताइए कि आपका ये तो मैंने स्ट्रगल सुना और बहुत सारे बच्चे से सीखेंगे भी, और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख लो आप लोग कितना एक्सक्यूज मुझे आप देते हो, लुक एट हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम, है ना? सो डोंट ट्राई टू गिव द एक्सक्यूजेज इन दिस एंड दैट, लुक एट हिम। अगर आपको पाना है अच्छे जगह, तो भाई इनकी तरह जलना पड़ेगा, जलना है ना, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो जलना भी वैसे ही पड़ेगा। एंड लुक एट हिम, ही इज द एग्जाम्पल। एनीवे तो
कैसा आपका बैकग्राउंड था? मतलब आप बचपन से मैथ्स में रिलेटेड थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? आपके पिताजी, माताजी, पिताजी क्या करते हैं, कितने जन हैं, कैसे, क्या मोटिवेशन था, इसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ सीख पाएं आपसे। हाँ सर, मेरे पिताजी ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था, तो लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने भी मतलब डीआरडीओ के अंदर उन्होंने काम किया था, लेकिन उसके बाद कुछ कारणवश उनको बहुत ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा। तो उस समय मेरे मम्मी ने ही बहुत सब इनफैक्ट बहुत दिन तक मेरे मम्मी ने सपोर्ट किया। तो जो मेरा जो मैथमेटिक्स का जो मेन मोटिवेशन है वो जनरली क्लास 12th से मैंने एक्सपीरियंस किया, अच्छा क्योंकि अच्छा 12th में जो सर क्लास लेते थे, हमारे क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, तो जी ऑलमोस्ट एक मतलब मुझे सर ने क्लास में फ्रीडम दे रखा था, तो मैं अपने मन से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करता था क्लास में। तो इनफैक्ट अगर सर एक्सरसाइज 2 या 3 करवा रहे होते तो तब तक मेरा एक्सरसाइज 5 में कर रहा होता था, तो मैं अपने मन से चीजों को कर रहा होता था और सर ने भी उस चीज को एनकरेज किया। इनकरेज तो उसके किया। बाद वो मुझे सर ने बोला कि तुम करो, तुम अपनी तरह करते रहो, जो प्रॉब्लम दिक्कतें आएंगी मैं दिखा दूंगा। तो उसके बाद क्लास 12th के बाद जो जो मैथमेटिक्स के प्रति जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड जन्मा था अंदर, तो उससे कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन मैथमेटिक्स के प्रति आ गई थी। फिर मुझे वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट जानने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में जाने का मन किया। फिर मैंने जब ग्रेजुएशन में गया तो वहाँ पे भी प्रोफेसर्स ने बहुत ही एनकरेज किया, क्योंकि मुझे मतलब छोटे से ही मतलब फंडामेंटल क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ही इंटरेस्ट रहता था, जो किसी भी चीज से का जो भी फंडामेंटल्स है तो उसको जानने का बहुत ही इंटरेस्ट रहता था। तो उसको लेकर के बहुत ही चर्चाएं मैं अपने प्रोफेसर के साथ करता था। तो उस तरह से मास्टर्स में भी बहुत प्रोफेसर ने मुझे एनकरेज किया। इनफैक्ट एक प्रोफेसर थी डॉक्टर हेलेन सी, क्या उन्होंने मुझे रिंग थ्योरी के कुछ रिसर्च पेपर्स भी दिए थे कि आप ये पढ़ो और इस पे आप देखना, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप काम करना। इनफैक्ट और एक टीचर थे हेमंत कुमार शर्मा सर, उन्होंने भी मुझे बहुत एनकरेज किया। इनफैक्ट जो अप्लाइड फील्ड्स है उसको आप बोला, उसको भी देखो, उसमें भी बहुत सारे काम हो रहे काम हैं। है। जी, सभी तो टीचर ने मतलब उसी तरह आपको से बहुत हाँ इनकरेज किया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, सभी राइट? टीचर ने सभी टीचर्स एनकरेज किया, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मतलब आ रहा था कि मुझे यही करना है। लेकिन हमारा जो एंटायर कोर्स स्ट्रक्चर है विद ड्यू रेस्पेक्ट टू माय यूनिवर्सिटी, वो कहीं उतना अच्छा नहीं था। उतना अच्छा नहीं था मतलब जो जिस स्टैंडर्ड में हमें पहुंचना चाहिए था आफ्टर मास्टर्स, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। फाइनली मैं रेगुलरली आपका वीडियोस देखता था। इनफैक्ट आपके जो रिटन नोट्स होते थे, आपने आपने जो पेंसिल से लिखा हुआ होता था कुछ पेपर में, कभी कभार प्रॉब्लम्स दे देते थे आप, तो वो सारे चीज मैं यूनिवर्सिटी कंप्यूटर से सेव करके घर में लेके आता था, तो आपके वीडियोस डाउनलोड करके घर में आके देखता था। तो वही से सर आपके प्रति मतलब आपके जो आपका जो मैथमेटिक्स के प्रति डेडिकेशन है, उससे मुझे लगा कि सर से बहुत बहुत सीखा जा सकता है। इफ आई गेट अ चांस, मतलब ये मेरा सपना था आपसे पढ़ना, तो एक दिन फाइनली आई डोंट नो हाउ आपसे ही आपने ही मुझे कॉल किया कि आपने नोबल फोरम में मेल किया था। तो फिर फाइनली जब आपसे बात हुआ तो उसके बाद फाइनली मैंने डिसीजन लिया, और जो ये जर्नी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट हर दिन जो आप क्लास लेते थे कुछ ना कुछ नया एलिमेंट मुझे मिलता है। इनफैक्ट वो जो नया एलिमेंट है एक ऐसा एरोजल क्रिएट करता है कि मन करता है कि हाँ थोड़ा और झांक के और डीपली देखो। देखो या तो मुझे मुझे ये जो ऐस हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ हाँ बोलिए। सर बोलिए बोलिए। मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करके कि ये बात को मैं करते रहूं, लेकिन बात क्या है कि यही बोलूंगा आपसे बात करके कि आपका रिसर्च में मुझे लगता है कि आपका बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा आप करेंगे रिसर्च में, क्योंकि यही क्वालिटी चाहिए रिसर्च में, यही क्वालिटी चाहिए।
लाइफ में कितना भी अप्स एंड डाउन आओ, क्योंकि पीएचडी आप करोगे थोड़ा बहुत सिचुएशन कभी खराब होगा, प्रॉब्लम्स भी बनेंगे, फ्रस्ट्रेटेड लगेगा, लगेगा कि छोड़ दें, भाग जाएं, सुसाइड कर ले, बहुत तरीके का थॉट आता है, नेगेटिव थॉट्स का कोई कमी नहीं रहता है। जैसे आप पढ़ते थे ऑफ ऑनलाइन क्लास में, आप कितना बार बोलते थे मेरे से सर लगता है मैं छोड़ के भाग जाऊं, मैं आपको समझाता भी था कि भैया ऐसा नहीं होता है, हाँ सर, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे बीच में, लगता था सर मैं छोड़ दूं, कि आप नेगेटिव थॉट पूरा बोलते थे कि मैं सुसाइड कर, क्या क्या बोलते थे, बोले भाई ऐसा नहीं होता, ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम से, डरने से नहीं होता है, लाइफ में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा, समझे, बहुत प्रॉब्लम आएंगे, अभी यस तो सर, शुरुआत हुआ है, मरते मरते आप देखना इतना प्रॉब्लम आप झेल के जाओगे ना, तो ऊपर जाओगे तो बड़ा आराम से रहोगे, तो इसलिए ये सब चीजों का हाँ टेंशन सर, नहीं है, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, और मेरे ख्याल से वो आना भी चाहिए, वो लाइफ है, वो नहीं आएगा तो फिर लाइफ का मजा नहीं है, तो रिसर्च करोगे वहां भी प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगा, बहुत हैक्टिक लगेगा, फैमिली इश्यूज भी रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स को मत छोड़ना, समझ में आया, मैथमेटिक्स को करते रहना करते रहना करते रहना आखिरी दम तक, क्योंकि तो इतना जो आप झेले हो, इतना जो आपने स्ट्रगल किया है ऑनलाइन क्लास के लिए, कभी करेक्शन के लिए चाय वाले के पास बैठना, मंदिर में बैठना, इधर जाना, 5-6 किलोमीटर जो आपका ये अप डाउन है, ये होना चाहिए, ये मतलब इसका एक मिश्रण पीएचडी में निकलना चाहिए, अभी आपका शुरुआत हुआ है, लेकिन अब इसके बाद जर्नी और अच्छा रहेगा आपका, ट्राई करना है अच्छे जगह, पब्लिकेशन में आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो, एनल्स ऑफ जर्नल होता है मैथमेटिक्स, ट्राई करना है, और बस मन लगा के पढ़ाई करना है, समझे, और ये सब एज फेज का टेंशन यस नहीं लेना है कि 2 साल का गैप है मेरा कुछ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल का गैप के बाद अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में अच्छे से पीएचडी किए हैं, और उनका काम जो जो रेगुलर बच्चे जो तुरंत जाते हैं उनसे बेटर है, तो मैटर ही नहीं करता कितना साल का गैप है, मैटर ये करता है कि आपके अंदर वो इंटरेस्ट है कि नहीं है, और वो आपके अंदर कूट कूट के भरा है, बस इसको जिंदा रखना है, बार बार जिंदा रखना है, ओके, कभी नहीं इसको हिलने डिलने यस देना है, सर, लाइक कितना भी प्रॉब्लम हो, ओके, ओके ओके और सर, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर मेरा यही मैसेज है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कम्पिटिटिव माइंड है उसके साथ हमें एक इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच को भी एडजॉइन करना चाहिए। तो जो ये जो एंटायर जर्नी होगा बहुत ही मजेदार होगा, और इनफैक्ट बहुत मजा आएगा इस चीज में, सीखने को भी मिलेगा और फाइनल रिजल्ट भी अच्छा होगा। अच्छा होगा, एग्जैक्टली, और यहाँ पे पढ़ के मजा आया क्लास में, नोबल फोरम में, हाउ वाज बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस? बिल्कुल, इनफैक्ट हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आप कुछ ना कुछ एक नया ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करते हो, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट चीज से ऑब्जर्वेशन एक्सट्रैक्ट करके स्टूडेंट के सामने इतने इजी फॉर्म में रखना, और वो अपने आप एक स्टूडेंट्स में एक एरोसल क्रिएट कर देता है, फिर इंटरेस्ट एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है, फिर आई थिंक हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं मुझे देखना है ये क्या चलिए है। चलिए, तो वो देखता था मैं बहुत प्रॉब्लम्स भी, ही आपका प्रॉब्लम भी जो आप पूछते थे जो रिंग थ्योरी में, जैसे आपने बताया जब आप प्रॉब्लम भी पूछते थे तो कुछ ऐसे ही होता था, मैं आपको बोलता भी था भैया ये अभी काम का चीज़ नहीं है, बट स्टिल आई कीप गिविंग यू कक्षा, इसमें आगे बढ़ो, ये बुक्स हैं ये बुक्स हैं, बट अब आपके पास यस सर, पूरा आपने अपॉर्चुनिटी है, अब आपके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है, पूरा दबा के पढ़ो और मन लगा के पढ़ो और काम को अच्छे से करो, ठीक है, अभी रुकना नहीं है, आगे और बढ़ना है, ओके, ठीक है, चलो इसी थैंक इसी यू सर, बात पे थैंक यू सर, हम स्टॉप करते हैं, और आपको बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम नोबल फोरम के फैमिली की तरफ से और सारे बच्चों की तरफ से, ओके, यहीं पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू ओके, वेरी मच थैंक सर। यू ऋषभ, थैंक